संभल फर्जी गोलीकांड पर बीजेपी मंत्री गुलाब देवी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने इस मामले को लेकर एसपी को कॉल लगा दी। पूरा मामला फर्जी गोलीकांड चंदौसी सीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह की लापरवाही का बताया जा रहा है और इस मामले में सीओ चंदौसी और दरोगा पर कार्रवाई भी हो सकती है। हाँ कप्तान साहब, 27 जुलाई के लिए एक व्यक्ति है राशन डीलर प्रेमपाल जाटव, उसका कोई जमीन का विवाद चल रहा था हमारे मौर्या लोगों से। प्रेमपाल का मौर्य लोगों से जमीन के ऊपर चल रहा था, उसने बता रहे हैं ये कि 10 लाख रुपए मांगे थे, इन्होंने मना कर दिया कि जो जमीन हमारी तय हुई है हम वो खरीदेंगे, हम इस तरीके से कोई पैसा वैसा नहीं देंगे। उसी बीच में उसने क्या किया कि अपने पैर में गोली लगवा, वो छर्रे लगवा लिए। हाँ जी जी हाँ, पैर में अपने छर्रे फिट करवा लिए, अच्छा कमर में करवा लिए। उसमें हमारे पुलिस वालों ने कोई जांच नहीं की ढंग से और इन लोगों को पकड़ पकड़ के ले गए, हाँ जेल भेज दिया। और जेल भेज देते तब भी ठीक था, इनको इतना मार लगाई है कि अभी तक इलाज चल रहा है नौजवान लड़कों का, इतनी इस तरह से मार लगाई है। अब स्थिति यह है कि इनका जो मुकदमा था वो तो फर्जी सिद्ध हो गया, तो सब चाहते हैं कम से कम, यहाँ 1,500 की भीड़ है, मैं आई हुई हूँ यहाँ पर, तो यहाँ ये सब लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये इंक्वायरी की कि ये मामला सही है और सही निकला नहीं, एक तो यहाँ के सीओ को हटाया जाए। यहाँ मीडिया खड़ी है पूरी, मैं आपको सबके सामने मीडिया के सामने बोल रही हूँ कि सीओ ने जो फर्जी इंक्वायरी की है और इन लोगों की इतनी मार लगवाई है, एक तो सीओ के लिए, सीओ कौन है भी, क्या नाम है उनका, डॉक्टर प्रदीप कुमार जो सीओ है यहाँ पर बहुत दिनों से है, वो सुनते हैं कि उनके कोई रिलेशन में है प्रेमपाल के, ये बताया जा रहा है कि उसकी कोई रिश्तेदारी है प्रेमपाल की सीओ से, तो उसने इंक्वायरी ढंग के नहीं की और इन लोगों की इतनी जितनी बेइज्जती हो सकती थी, आप मोबाइल में देखो जो उनके रिकॉर्डिंग है उसमें आप देखिए कितनी अश्लील गालियां पुलिस वाले बक रहे हैं। चौकी इंचार्ज है यहाँ, क्या नाम है, कैसे राम कुमार, एक तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए राम कुमार चौकी इंचार्ज के खिलाफ, और एक मामला जो एक सीओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके ऊपर जो तमंचा रखा गया है वो फर्जी तमंचा रखा गया है, वो कहाँ से आ गया, बेचारे घर में इनके पैर में रॉड पड़ी हुई है, घर में सो रहे थे, घर में से पकड़ा है इनके लिए, तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। अब ये सभी लोग इतने अच्छे हैं, मेहनत कश लोग हैं, अब सारा आरोप लगता है बीजेपी की सरकार पर, तो आप खुद में समझदार हैं कि यहाँ इतने लोगों के बीच में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे जो जो व्यक्ति इतना इस तरह की छल प्रपंच से फंसाता है, एक तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो कि जिसने फर्जी मुकदमे लगवाए हैं, और जिन अधिकारियों ने, हाँ जी 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 हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी जी, एक तो सीओ को हटाया जाए और एक चौकी इंचार्ज को हटाया जाए यहाँ से तत्काल। हाँ ये अब आप हटवाइए और उसके बाद में फिर जांच करिए जिससे कि इन लोगों को न्याय मिल सके। बहुत रोष है हमारी सरकार के प्रति, बहुत रोष है, जो गलत चीज है बिल्कुल। बहन जी कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, एक मिनट जरा, जो लड़का पिटा है मैं उसी से बात करा रही हूँ आपकी, बता रहे हैं कप्तान साहब की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बात करनी। हेलो हमारी मार भी लगाई थी, अपने घर है, बहुत मारा था उनने हमें, 3 दिन तक बंद रखा, जी सर चंदोसी रहते हैं।
हाँ कप्तान साहब, कभी समय मिले तो इधर इन लोगों के बीच में आप घूम जाना। हाँ खुद खुद में आप देखेंगे, और जब चंदोसी, हाँ जब चंदोसी आए ना तो मुझे बुला लीजिएगा, इन लोगों के बीच में एक बार हो जाना आप। ठीक है, हम और आप मिलके इन लोगों की इनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। ठीक है, ठीक 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 ठीक, मुझे यही भरोसा है आपसे। ठीक है, अरे सबकी क्या बढ़ाई होगी, अब क्या तुम्हारे सामने क्या बात।